हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शिवम कुमार और आज हम लोग मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे पहले एक और मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करा दिया गया है, इस बार हम लोग मॉक टेस्ट 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट में टोटल हम लोग 25 के आसपास क्वेश्चन को रखते हैं और सारे 25 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट करके हुए करते हैं, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, चाहे स्टैटिक जीके हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे लीगल हो, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर कराए जाते हैं। और ये मॉक टेस्ट अच्छे खासे आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे, चाहे वो स्टैटिक जीके से आपको डर लगता है, चाहे आपको पॉलिटी से डर लगता है, चाहे आपको रीजनिंग से डर लगता है, हर एक टाइप के इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से कवर करा दिया जाएगा। और एकदम क्वेश्चन जो लाया गया है बहुत ही डिटेल और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं चूज करके लाता हूं, ताकि आपको एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट उसको बना सके। और मेरी यही कोशिश रहती है कि 25 क्वेश्चन से लगभग 50 से 100 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करवा के जाऊं उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके फैक्ट के ऊपर। तो चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और एक चीज आपको ये बता दूं कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपके टोटल अटेम्प्ट कितने हुए और आपके टोटल कितने मार्क्स आए, ठीक है, टोटल आपने कितने सही किए और कितने आपने गलत किए हैं। लास्ट में अगर आप जब टेस्ट ये दे लोगे तो उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में आपको मार्क्स बताना है कि आपको कितने मार्क्स आए। साथ ही साथ अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूंगा तो उसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पार्टिसिपेट करने से आपका सबसे बेस्ट अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और क्वेश्चन के साथ जुड़ाव आपका बढ़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इस तरह से छोटे छोटे चीजों को किया जाता है ताकि एक अच्छे लेवल का आपका काम किया जा सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आज का जो पहला क्वेश्चन मैं आपके पास लेकर आया हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट इंबेडेड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बताइए इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन के आंसर वही बच्चे दे सकते हैं जिनपे प्रीएम्बल का अच्छा से पकड़ होगा। प्रीएम्बल का पकड़ ये मतलब ये होता है कि पूरा प्रीएम्बल आपको याद होना चाहिए, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीएम्बल आपको डिटेल में आपको याद होने चाहिए। चलिए अब प्रीएम्बल से बात किया जा रहा है, यहां पर देखिए नॉट इंबेडेड है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा जब प्रीएम्बल आपने पढ़ा होगा तो प्रीएम्बल में टोटल 5 तरह के लिबर्टी की बात की गई है, ठीक है, प्रीएम्बल में टोटल 5 तरह की लिबर्टी की बात की गई है। और इसको मैं समझाऊंगा तो इस क्वेश्चन को आपको क्लियर हो जाएगा। पहला है आपका लिबर्टी ऑफ थॉट्स, ठीक है, पहला जो है लिबर्टी ऑफ थॉट्स, दूसरा जो है वो है लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अब अगर इसको अगर समझ लेंगे तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं, ठीक है, अगर आपको प्रीएम्बल याद रहता तो इसका आंसर आप आराम से दे देते हैं। एक है लिबर्टी ऑफ बिलीफ, उसके बाद है लिबर्टी ऑफ फेथ, और उसके बाद एक लास्ट है, पांचवा जो है वो है लिबर्टी ऑफ वर्शिप। तो ये 5 तरह का लिबर्टी की बात किया गया है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स है, जी हाँ है, तो ये तो नहीं हो क्योंकि यहां पर नॉट लिखा हुआ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान से समझ लेना है, कई बच्चे क्या होता है क्वेश्चन को इतने फ्लुएंसी में पढ़ते कि नॉट को देखना भूल जाते हैं, ये आपके लिए बहुत ये गलत हो सकता है, ठीक है, इस चीज को बहुत ध्यान से आपको आंसर आते हुए भी आप उसको गलत कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक लिबर्टी की बात कहीं नहीं की गई है। अच्छा, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, जी हाँ, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है, तो ये तो नहीं होगा। लिबर्टी ऑफ बिलीफ की बात की है, यानी कि इसका जो आंसर होगा इकोनॉमिक लिबर्टी होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर बात किया जाए लिबर्टी के अलावा जस्टिस की भी बात की गई है, ठीक है, जस्टिस की भी बात की गई है, और 3 टाइप के जस्टिस की बात की गई है प्रीएम्बल में। पहला जो बात किया गया वो है सोशल जस्टिस, ठीक है, सोशल जस्टिस की बात की गई है। दूसरा जो बात किया गया वो है इकोनॉमिक जस्टिस, दूसरा जो बात किया गया वो इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट जो बात की गई वो है पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, जिसको बोलते हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, 3 टाइप के न्याय की बात की गई है, ठीक। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है, इक्वलिटी के बारे में भी चर्चा किया गया है, ठीक है। तो प्रीएम्बल में इक्वलिटी, 2 टाइप्स की इक्वलिटी की बात की गई है। पहला जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, पहला जो बात किया गया है वह है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, और दूसरा जो बात की गई है
वो बात किए गए इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपको याद होना चाहिए लिबर्टी में 5 तरह का लिबर्टी की बात की गई है, जस्टिस में 3 तरह की जस्टिस की बात की गई है, और इक्वलिटी में 3 तरह का इक्वलिटी की बात किया गया है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो क्लियर है। इसके अलावा आपसे और प्रीएम्बल से रिलेटेड मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर करके जाता हूं आज। चलिए अब यहां पर जो जस्टिस की बात किया गया है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये जो कहां से बोरो किया गया है, तो ये बोरो किया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से, इसके उठाया गया है। कहां से उठाया गया है, तो रशियन रिवॉल्यूशन से स्टार्ट लिया गया है। और ये रशियन रिवॉल्यूशन कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए कितना डीप में जाकर वो क्वेश्चन को पूछते हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि लिबर्टी जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अगर नहीं पता होगा तो ये सबको नोट डाउन करते जाना है। इसका टाइम पीरियड है कब से कब तक हुआ था, तो 784 से लेकर 99 तक ये हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके अलावा इक्वलिटी की जो बात हुई है, ये भी जो है ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही लिया गया है, ठीक है, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और इसके अलावा एक और है फैटर्निटी, ठीक है, एक है फैटर्निटी, ये भी जो है फैटर्निटी, ये भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इसको बोरो किया गया है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना है, आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपको ये बनेगा कि प्रीएम्बल, अच्छा प्रीएम्बल कब एडॉप्ट हुआ था, ठीक है, प्रीएम्बल से रिलेटेड आपको एक वर्ड दिया जाएगा, या तो आपको एडॉप्ट पूछेगा, एडॉप्ट या फिर इनैक्ट लिखा रहेगा। तो ये अगर दोनों वर्ड होता है तो आपका आंसर देना है 26 नवंबर 1949। अगर बाय चांस किसी मिस्टेक में या कोई फैक्ट में अगर मैं गलत बता देता हूं तो आपको ये बताना है कि सर आप ये गलत बता दिए, आप उसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं उसको रीचेक करूंगा, वेरीफाई करूंगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दूंगा अगर बाय चांस गलत हो जाते हैं तो। लेकिन कोशिश तो यही नहीं रहती है कि एकदम फैक्चुअल जो भी मुझे याद है उसको फैक्चुअल तरह से आपको स्पष्ट रूप से देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसके अलावा प्रीएम्बल जो है दो एक बार अमेंड हो चुका है, कितने बार, एक बार। कब हुआ था, तो ये 1976 में अमेंड हुआ था 42nd अमेंडमेंट के टाइम, 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसी समय प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था, ठीक है। और इसमें अमेंडमेंट हुआ था तो क्या क्या जोड़ा गया था, इसमें 3 तरह की वर्ड को जोड़े गए थे। पहला वर्ड है सेकुलर, दूसरा है सोशलिस्ट और तीसरा है इंटीग्रिटी। ये 3 तरह के वर्ड को जोड़े गए थे किसमें, प्रीएम्बल में। अब यहां पर जो सोशलिस्ट और सेकुलर जो है ये तो फर्स्ट पैराग्राफ में जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, ये कहां पे जोड़ा गया था, ये फर्स्ट पैराग्राफ में, और ये जो है 6th पैराग्राफ में इसे जोड़ा गया। एकदम सारे पॉइंट जो है बहुत डिटेल से बता रहा हूं, यही सबसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। अब इसके अलावा प्रीएम्बल से और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक केस हुआ था जिसका नाम है बेरू बारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बेरू बारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था, कब हुआ था, 1960 में। इसमें बोला गया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक और केस आया था, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस। इस केस में यह कहा गया था कि प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये 1973 में आता, और इसमें यह बोला गया था कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपके, ठीक। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन ये पूछे जाएगा कि प्रीएम्बल का जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल ये कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। और सिर्फ आपसे प्रीएम्बल की बात की जाएगी तो ये लिया गया है यूएसए से। ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद होने चाहिए, प्रीएम्बल की सिर्फ बात होगा तो वो होगा यूएसए से, अगर लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल्स की अगर आपसे बात किया जाएगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया से। चलिए सारे पॉइंट जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीएम्बल रिलेटेड मैंने आपको हर एक पॉइंट्स को कवर करा दिया हूं। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया हूं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इकोनॉमिक लिबर्टी। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ चलिए, एक व्हाट्सएप ग्रुप है यूनिवर्सिटी LLB एंट्रेंस के लिए, एग्जाम्स के लिए, तो आपको अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का जो बेनिफिट क्या है, वहां पर एक प्लेटफॉर्म दिया गया है जिसमें स्टूडेंट आपस में बातचीत करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने डाउट को सॉल्व करते हैं, अपने नोट्स को शेयर करते हैं। साथ ही साथ अगर मुझे कोई नोटिफिकेशन हो या फिर PDF देना रहता है तो मैं डायरेक्ट उसी ग्रुप से अप्रोच करता हूं, जिससे हमको ईजिली होता है, ठीक है। अगर आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना हो जिसपे आपको PDF होगा करेंट अफेयर्स रिलेटेड,
मॉक टेस्ट या फिर जितने भी पीडीएफ है वो सारे पीडीएफ उसमें भेज दिए जाते हैं, जितने इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी है वो सारे डाल दिए जाते हैं और स्टूडेंट आपस में बातचीत करते हैं, क्विज कॉम्पिटिशन सारा चीज इस ग्रुप में आपको देखने को मिलेगा। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है आपका किस टारगेटेड यूनिवर्सिटी, आपका क्या नाम है और आपको यह लिखना है कि मुझे इस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद जो हमारी टीम की जो व्हाट्सएप को मेंटेन करते हैं वो आप उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। लेकिन आपको बताना है कि आपको टारगेटेड यूनिवर्सिटी क्या है और आपका क्या क्या है, क्या है आपको ये लिखना है कि मुझे सर LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमको ग्रुप में ऐड करना है, LLB में आपको मेंशन करना होगा, नहीं तो आप कोई अदर ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इन 1953 प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ कमीशन टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ टीटी कृष्णमचारी, सरदार पटेल, फजल अली या फिर जीबी पंत। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और उसके बाद इसका पूरा हिस्ट्री भी मैं बताने की कोशिश करूंगा शॉर्ट वे में। चलिए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेकर चलता हूं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो 1950 के समय, ठीक है, 1950 के समय भारत जो है वो चार पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है, ये पार्ट था ए बी सी और डी, चाहे क ख ग घ ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आज हमारा स्टेट 28 स्टेट जिस तरह से स्टेट्स बटा हुए हैं, उस समय हमारे जो स्टेट थे वो चार पार्ट में बटे थे ए बी सी डी, 1950 के समय के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें पहला थे ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन स्टेट्स, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन स्टेट जो थे इसमें टोटल 9 स्टेट थे। उसके बाद आपको हो गए प्रिंसली स्टेट, ठीक है, कौन हो गए प्रिंसली स्टेट, इसमें टोटल 9 स्टेट थे। इसके बाद आपको कमिश्नरेट, ठीक है, कमिश्नरेट स्टेट हो गए, ये स्टेट में टोटल आपको इसमें 10 हो गए, और एक लास्ट था अंडमान और निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार के लोगों ने अलग रखा था और ये मान के चलिए एक है, यानी टोटल कितने हो गए 9, 9, 18, 10, 28, 29, टोटल 29 स्टेट्स पहले हुआ करते थे। कब की बात है, 1950 की बात है। लेकिन अब आगे समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन हुआ क्या कि भारत में अलग 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 जगहों पे, मान लीजिए अलग अलग जगह है, सारे जगह पे जो लैंग्वेजेस है वो लैंग्वेज अलग अलग होते थे, ठीक है। तो मद्रास वाले पार्ट में ये कहा गया कि हम लोग को स्पेशल लैंग्वेज के बेसिस में हम लोग का एक अलग राज्य होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उस समय हिंदी का बोलबाला था और गवर्नमेंट जो थी हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाने की कोशिश कर रही थी, और इसी बात से मद्रास के लोग और आसपास के तेलुगु भाषी लोग वो गुस्सा हो गए और वहीं से मांग उठी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे यानी भाषा के आधार पे एक होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट तो ये चाहती थी कि जो पूरे इंडिया को एज अ बढ़िया से फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाए, बांट दिया जाए, लेकिन ये तो क्लियर नहीं था कि इसका किस आधार पे इसको बांटा जाए। तो इसलिए इन लोगों ने सोचा कि पहले इसका आधार क्लियर हो जाए कि किस आधार पे बांटा जाए, तो उस समय मांग उठी कि लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। तो इसलिए 1948 में एक कमीशन बनती है, ठीक है, 1948 में सबसे पहले एक कमीशन बनता है और इस कमीशन के हेड कौन थे, एसके धर इस कमीशन के हेड थे, और इन्होंने अपना रिपोर्ट में यह सौंपा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने अपने रिपोर्ट में यह सौंपा कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों को बांटना, स्टेट को बांटना यह गलत होगा, इस तरीके से हम लोग नहीं बांट सकते हैं, और इन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस के अप्रोच को पूरे तरीके से गलत साबित कर दिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी एक और कमिटी बनती है 1948 में ही, ठीक है, 1948 में ही एक और कमिटी बनती है, ठीक है, इसका नाम था जेबीपी कमिटी। क्या था, जेबीपी कमिटी, जेबीपी कमिटी का मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इनकी एक कमिटी बनती है, और इस कमिटी ने भी स्पष्ट तौर पर यह बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, यह बिल्कुल तरीके से गलत है, यह अपोज कर दिया गया। जब इस कमिटी ने लिंग्विस्टिक बेसिस पे यह बोल दिया कि नहीं होना चाहिए, तब मद्रास के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुल्लू। क्या नाम था, पोट्टी श्री रामुल्लू। पोट्टी श्री रामुल्लू हंगर स्ट्राइक पे चले गए और उन्होंने लगातार 56 दिनों तक हंगर स्ट्राइक किया, और 56 दिनों के हंगर स्ट्राइक करने के बाद इन्होंने अपनी जान दे दी, और इसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, और एक इसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, और 1953 यानी 1 अक्टूबर 1953 को लैंग्वेज बेसिस पे यानी लिंग्विस्टिक बेसिस पे
आंध्र प्रदेश निकलकर बाहर आया, ठीक है, आंध्र प्रदेश बनकर बाहर आया, ठीक है। इन्हीं कारण यानी कि पोट्टी श्रीराम उल्लू अगर नहीं रहते तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे पूरे राज्यों को नहीं बांटा जाता, इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को लैंग्वेजेस बेसिस पे यानी तेलुगु के आधार पे आंध्र प्रदेश को बांटा गया। जैसे ही आंध्र प्रदेश को बना, भारत के अन्य राज्य भी अलग अलग बातों पे बोले कि हमें भी अब लिंग्विस्टिक बेसिस पे हमें भी करना चाहिए। हिंदी भाषी वाले बेल्ट बोलते कि हमें अलग बना दो, तेलुगु वाले अलग बोलते हैं, मलयालम वाले अलग बोलते हैं, और इस आधार पे अब मांग हुए कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही पूरे राज्यों का रिओर्गेनाइज किया जाए। इसके लिए 1953 में ही एक कमिटी बनती है फजल अली आयोग के अध्यक्ष, फजल अली के अध्यक्षता में, ठीक है। इसके हेड कौन थे? फजल अली थे, और इसमें टोटल 3 लोग थे। पहला तो फजल अली हेड हो गए, और दूसरा नाम याद रखिएगा, नहीं अगर याद होगा तो इसको नोट डाउन अभी कर लेना है, केम पन्नीकर, ठीक है, केम पन्नीकर थे। और तीसरा जो नाम था वो था केन कुंजरू, ठीक है, केन कुंजरू। ये 3 लोग थे इस कमिटी में। ये तीनों कमिटी का नाम आपको, ये तीनों लोगों का नाम याद होने चाहिए, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो 1953 में जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, उसके बाद पूरे तरीके से पूरे देश में जब मांग उठने लगी कि इसी आधार पे भारत का जो स्टेट था वो रीऑर्गेनाइज किया जाए, तो 1953 में जब फजल अली कमेटी ने अपने रिपोर्ट को सौंपा तो उसमें स्पष्ट तौर पे इन्होंने ये बताया कि सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना तो चाहिए, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ठीक है, लेकिन सिर्फ लिंग्विस्टिक बेसिस पे भाषा के आधार पर राज्यों को बांटना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में टोटल अभी जो है 447 नेटिव लैंग्वेज है। अगर 447 पार्ट में अगर इंडिया को बांट दिया जाए तो इंडिया की स्थिति बुरी तरीके से हो जाएगी, और इसलिए इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे होना चाहिए, लेकिन मेजर जो भी लैंग्वेजेस है उसी के आधार पे करना चाहिए। और उसके बाद 1953 में फजल अली की कमिटी के बाद भारत में अलग अलग लैंग्वेज बेसिस पर राज्यों का बंटवारा कर दिया गया। तो ये रहा पूरा ये, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा फजल अली, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1953 में मैंने आपको बताया, ठीक है, 1953 में मैंने बताया कि 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक कमिटी बनाई गई थी, और इस कमिटी में 3 लोग थे, फजल अली, केम पनिकर और केन कुंजरू। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा, और इस क्वेश्चन का भी मैंने आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर तरीके से बता दिया हूं, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया होगा। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो सभी लोग पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एज ए चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट्स इन जोन, होम मिनिस्टर, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, होम मिनिस्टर। अच्छा, पहले जोनल काउंसिल के बारे में जरा सा बता देता हूं। जोनल काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि स्टैचुरी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है? एक स्टैचुरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि एक स्टैचुरी बॉडी है, ठीक। इसके अलावा जोनल काउंसिल को ये जो बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो 1956 में बनाया गया था, अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, 1956 में बना था अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, याद होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद इसको जो लाने वाले कौन थे, इसके आइडिया कौन दिए थे? तो आइडिया दिए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये बिल्कुल इनका ये बहुत बढ़िया आइडिया था। इनका का नाम था कि अगर एक स्टेट दूसरे स्टेट से हेल्प मांगना चाहता है तो इसी के थ्रू मांगा जा सकता है, यानी कि एक दूसरे में कॉपरेशन, ठीक है, कॉपरेशन के रूल के तहत इसे जोनल काउंसिल को इन्होंने बनाया था। टोटल इंडिया में इसे 5 जोन में बटा हुआ है, याद रखिएगा, 5 जोन। पहला है सेंट्रल, ठीक है, पहला है सेंट्रल, दूसरा नाम है आपको नॉर्दर्न, ठीक है, दूसरा नाम है नॉर्दर्न, तीसरा जो नाम है आपको वेस्टर्न। ये सारे पॉइंट्स को याद कर लेना है, आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको याद होंगे,
फिर होंगे सदर्न, ठीक है, उसके बाद होंगे सदर्न, और एक लास्ट जो है पांचवा जो है वह ईस्टर्न, ठीक है, ईस्टर्न। तो एक स्टेचुरी बॉडी है, इसका जो आइडिया दिया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, और स्टेट ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसे बनाया गया था। इसको पांच जोन में बांटा गया है, सेंट्रल, नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न और एक हो गया ईस्टर्न। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, होम मिनिस्टर। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वाज मेड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 36 होगा, ठीक है, 36 होगा। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, कुछ लोग आंसर 35 सोच रहे होंगे, बिल्कुल, कुछ लोग 35th अमेंडमेंट सोच रहे होंगे। 36th अमेंडमेंट जो हुआ था 1975 में हुआ था, ठीक है, 1975 में हुआ था, और 35th अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था 1974 में, 1974 में हुआ था, दोनों को याद रखिएगा। जो 35th अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, बात को समझिएगा, 35th अमेंडमेंट में सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, ठीक है, एसोसिएट स्टेट का दर्जा मिला था, यानी पूर्ण स्टेट का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन जो 36th अमेंडमेंट हुआ था, ये जो है सिक्किम जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो गया था, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट हो गया। और 35वें अमेंडमेंट हुए तो 35वें अमेंडमेंट में एसोसिएट राज्य का दर्जा मिला, उसके बाद सिक्किम में रेफरेंडम हुआ, ठीक है। रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, और रेफरेंडम के आधार पर वहां के लोगों ने स्वीकार किया कि हमें अब भारत का इंटीग्रल पार्ट होकर आना चाहिए, और उसके बाद 1975 में सिक्किम को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी होगा, 36th अमेंडमेंट 1975। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, बताइए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देने की आपको कोशिश करना है, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं, बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए तो क्वेश्चन को समझ गए होंगे आप लोग, क्या क्वेश्चन है। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज टू पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, चलिए। तो पहला ऑप्शन है यूनियन कैबिनेट, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट, तीसरा है इलेक्शन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर फोर होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब क्यों होगा, क्योंकि यूनियन कैबिनेट तो होता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट होता नहीं, इलेक्शन कमीशन होता नहीं, इसका जो जो पावर होता है वो किसके पास होता है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होगा, नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लिसिट इन राइट टू पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बताइए। इस क्वेश्चन का आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, जो कि आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा किया गया है, किसमें, आर्टिकल 21 में। तो राइट टू पर्सनल लिबर्टी अगर ओनली वन कहीं पर अगर यहां पर रहता तो आंसर हो जाता, वन एंड टू तो हो नहीं सकता है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी में किसी भी तरह का चर्चा नहीं किया गया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में भी चर्चा नहीं किया गया राइट टू प्राइवेसी का। तो राइट टू प्राइवेसी कहीं कहीं आपको मिलेगा कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, बिल्कुल गलत है। राइट टू प्राइवेसी जो एक फंडामेंटल राइट है, और ये जो है आर्टिकल 21 के अंदर ये छिपा हुआ है, तो इसको ध्यान में समझिएगा, और आर्टिकल 21 जो है राइट टू पर्सनल लिबर्टी की बातचीत करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर। Which one of the following are covered under Article 20 of the Indian Constitution of India? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल
देखिए महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले जो भी बच्चे होंगे अपना प्रिपरेशन बहुत टफ लेवल पे स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और सीईटी पीजी वाले का भी फॉर्म आने वाला है, पिछले बार जैसा नहीं है कि फॉर्म जो डीयू का जो पिछले साल एग्जाम हुआ था कि पहले तो पता ही नहीं था फॉर्म कब आएगा, फॉर्म आने के बाद एग्जाम कब लिया जाएगा उसका भी पता नहीं था और रिजल्ट का तो पता नहीं था। तो बहुत ज्यादा आप पिछले साल तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 ईयर के पास आसपास आपको समय मिला था प्रिपरेशन करने के लिए, और इस बार मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 महीना में ही आपको कवर करना है। तो पिछले बार से ज्यादा इस बार आपको टफ देखने को मिलने वाला है, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो। और ये एग्जाम जो है डीयू है या फिर बीएचयू हो या फिर महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर अलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी हो, इन सारी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखते हुए इस पूरे वीडियो को बनाया जाता है। तो ध्यान में रखें कि ये नहीं सोचना है कि सिर्फ डीयू के लिए है, अगर आप बीएचयू वाले हो, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट वाले हो, एयू पीयू कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां पर इस तरह का आपका सिलेबस है तो इस तरह का सिलेबस आपको यहां से कवर करवाया जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 1, 3 और 4। अब जैसे कि बात करें एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसकी चर्चा किया गया, प्रिवेंटिंग डिटेंशन के बारे में चर्चा नहीं किया गया, प्रिवेंटिंग डिटेंशन का जो चर्चा है वो आर्टिकल 22 में किया गया है, और डबल जियोपार्टी भी है और सेल्फ इंक्रीमेशन भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब यहां पर कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है क्या, डबल जियोपार्टी है क्या, फिर सेल्फ इंक्रीमेशन है क्या, जो आर्टिकल 20 में बात किया गया है, ठीक है। अब तो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब यह होता है कि मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस किया, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई ऑफेंस किया आज के डेट में और आपको पुलिस ले गई, ठीक है, और आपको जो ऑफेंस उसमें मिनिमम आपको लिया गया कि 1 साल तक आपको कारावास हो सकता है 1 साल तक, लेकिन ऐसा है कि पार्लियामेंट में अगले दिन ही इस लॉ में चेंज हो जाए और लॉ में चेंज होकर बोले कि अब इस तरह का अगर कोई ऑफेंस करेगा तो आपको 5 साल का होगा, तो उस व्यक्ति को ऑफेंस के समय तक ही जो लॉ होगा वही लॉ से उसको सजा मिलेगा, ये ना कि नया जो लॉ आप फ्यूचर में जो आने वाला हो उस लॉ के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगा, यही है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ठीक है। और इसके अलावा है डबल जियोपार्डी, ठीक है, और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में इसकी चर्चा किया गया है। डबल जियोपार्डी का मतलब होता है एक क्रिमिनल एक्ट के लिए आपको 2 बार सजा नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं कि आपने एक बार कोई ऑफेंस किया और उस ऑफेंस के तहत आपको 1 बार से 10 बार 12 बार पुलिस से आपको उस ऑफेंस में फंसा रही है और आपको सजा दे रही है, ऐसा नहीं है, एक क्रिमिनल एक्ट के लिए आपको एक ही बार सजा दिया जाएगा। तो यह है आपको डबल जियोपार्डी जो आर्टिकल 22 में इसका चर्चा किया गया। और तीसरा जो है 23 जो सेल्फ इंक्रीमेशन का मतलब होता है कि अगर कोई भी क्राइम करता है तो पुलिस हो या फिर जो भी वहां पर कस्टोडियन हो वो उसको जबरदस्ती अपने खिलाफ सबूत देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, यही है सेल्फ इंक्रीमेशन जो आर्टिकल 23 में इसकी चर्चा किया गया है। प्रिवेंटिंग डिटेंशन निवारक नजरबंदी जिसको बोलते हैं इसकी हम लोग चर्चा आगे देखेंगे, इसका भी क्वेश्चन मैं जब लेकर आऊंगा तो इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, अगर अभी समझाने लगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉक टर्म्स बिलोंग्स टू मध्य प्रदेश। अब आपके स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अब स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन में आपको ज्यादा समझाऊंगा नहीं, ज्यादा उसमें डिटेल नहीं है, क्वेश्चन को देखना और आंसर देना है, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आपके टाइम बहुत आपके लिए बहुत आज के समय में जितना कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन कवर कर लीजिए वो बेस्ट है, इसलिए मैंने आपको चुन कर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूं, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो स्टैटिक हो, करेंट हो, चाहे लीगल हो, चाहे पॉलिटी हो। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका आकिरी डांस होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, मध्य प्रदेश आकिरी डांस से बिलोंग करता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे लवनी का पूछेगा, लवनी जो है महाराष्ट्र का है, ठीक है, कहां का है, महाराष्ट्र से, ये इसको याद कर लेना, और ये बगरुम्बा जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था ये आसाम का है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आकिरी होगा मध्य प्रदेश, लवनी होगा महाराष्ट्र और बगरुम्बा जो होगा वो असम होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बोरलॉग अवार्ड इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। बोरलॉग अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, जल्दी से इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, फास्ट तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। जी हाँ, बोरलॉग अवार्ड जो है जी हाँ ये एग्रीकल्चर के फील्ड में दिया था, नॉर्मन बोरलॉग का आपने नाम भी सुना होगा, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच फील्ड धनवंतरी अवार्ड वॉज गिवेन। धनवंतरी अवार्ड किस क्षेत्र में इस अवार्ड को दिया जाता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए।
चलिए धनवंतरी अवार्ड जो है मेडिकल सेक्टर में दिया था, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया इज बिल्ट बाय, बताइए इसका आंसर बताइए। ये सारे स्टैटिक का बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है, एकदम परफेक्ट डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन को दिया जाता है सबको। अच्छा गेटवे ऑफ इंडिया है कहां, बहुत बच्चे को तो यही नहीं पता होगा। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, और एक है इंडिया गेट, एक है इंडिया गेट, और इंडिया गेट है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया जो बनाया था जॉर्ज विटेट के द्वारा बनाया गया था। अगर आपको इंडिया गेट पूछेगा तो ये आपको ये बताया था एडविन ल्यूटियंस ने बनाया था, ठीक है। ये जो बनाया था एडविन ल्यूटियंस ने, इसका स्पेलिंग आप लोग चेक कर लेना क्या है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है मैं लिख दिया हूं, जो भी अगर समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए इंडिया गेट न्यू दिल्ली में, और इसको एडविन ल्यूटियंस ने बनाया था, और गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज विटेट के द्वारा, और इसका स्थापना जो किया था वो जॉर्ज पंचम के द्वारा इसे किया गया था, ठीक है। जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और बनाया यार कौन था, तो जॉर्ज विटेट था, और इंडिया गेट को जो बनाने वाले थे वो एडविन ल्यूटियंस थे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड, बताइए मीनाक्षी टेम्पल कहां पर है। जी हाँ, मीनाक्षी टेम्पल जो है मदुरई में है, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु, ठीक है, मदुरई तमिलनाडु। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, द कैंस अवार्ड आज इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड, कैंस अवार्ड, अभी हाल ही में ये कैंस अवार्ड होगा, बहुत सारे बच्चे इसके आंसर करेक्ट दे रहे होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फिल्म होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द 15th ब्रिक्स समिट 2023 विल टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये आपका करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स आपकी जान होता है, और करेंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपके मेरिट डायरेक्ट रूप से डिसाइड करेगा, क्योंकि करेंट अफेयर्स सबके पढ़ने की बात नहीं, बस की बात नहीं होती, और सबके पढ़ाने की भी बस की बात नहीं होती है, ठीक है। जो चीज लोग पढ़े होते हैं वो हर साल सेम टू सेम वही चीज है उसको पढ़ा तो देते हैं, लेकिन करेंट अफेयर्स एक ऐसा चीज है जिसको डेली बेसिस पे अपने आप को खुद को अपडेट करना पड़ता है, यानी कि जितना स्टूडेंट से ज्यादा आपको खुद को पढ़ के टीचर को पढ़ना पड़ता है तब उसको पढ़ाना पड़ता है। तो करेंट अफेयर जो है सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट के रूप में इसको देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साउथ अफ्रीका में होने वाला है 15th ब्रिक्स समिट, ये 15th नंबर का भी इसको याद रखना है, इसका जो एडिशन है 15th है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ज्वाइंट एक्सरसाइज साइक्लोन 1 हैज स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इन जैसलमेर, जैसलमेर आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। जी हां, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ साइंटिस्ट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर तो आपको देना ही देना है, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वीडियो देखने के बाद आप ही नोट डाउन कर लेना है, कमेंट बॉक्स में WHO से रिलेटेड इसका हेडक्वार्टर कहां पर है और इसका डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपको बताना है स्पष्ट रूप से। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जेरेमी फरार, ठीक है, जेरेमी फरार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंजीनियर इन चीफ ऑफ आर्मी रिसेंटली, पता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ये सब क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, पहले ही करवा दिया हूं। चलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अरविंद वालिया, ठीक है, अरविंद वालिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सन हु विल अटेंड द 2023 प्रवासी भारतीय दिवस एज द चीफ गेस्ट। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रवासी भारतीय दिवस हाल ही में इंदौर में इसका समापन हुआ है, ठीक है, इंदौर में, और इसके जो हेड थे इरफान अली, और इरफान अली जो है वो गुयाना के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इरफान अली। चलिए, लॉ ऑफ टॉट हैज डेवलप्ड मेनली थ्रू, लॉ ऑफ टॉट कैसे डेवलप हुआ है, तो लॉ ऑफ टॉट जो है बेसिकली जो डेवलप हुआ है वो जुडिशियल डिसीजन से हुआ है, ठीक है, कि लॉ ऑफ टॉट क्या है, एक अनकोडिफाइड लॉ है, ठीक है, एक अनकोडिफाइड लॉ है, लेकिन मतलब इसका कि ये कोई फिक्स लॉ नहीं है, जैसे जैसे जुडिशियल डिसीजन, जैसे जैसे केस हुए, क्राइम हुए, उस तरीके से मतलब उस तरह का अगर नॉलेज आते गया तो उस तरह से डिसीजन देते गया और उसको लिखते चला गया और ये लॉ ऑफ टॉट आपका तैयार हो गया।
हुज बुक इज कॉल्ड लॉ ऑफ टॉट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, लीगल के डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में आपको देखा जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। यस, विनफील्ड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विनफील्ड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहीं कहीं आपको अलग आंसर भी मिलेगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर विनफील्ड होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे है, डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स, ये बहुत बेसिक है। ठीक है, अगर आपने लीगल स्टार्ट किया होगा पढ़ना तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल आराम से दे रहे होंगे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जी हाँ, डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल है, डैमेज विदाउट लीगल इंजुरी बच्चा वाला क्वेश्चन है आपके लिए, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए, एन इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या है जल्दी से बताइए। एन इंजेक्शन इज पावर ऑफ अ कोर्ट, ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट, राइट टू ऑफ प्लेंटिफ या फिर नन ऑफ दीज, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। जी हाँ, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एन ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट। इस सब चीज में ज्यादा चीज समझाना नहीं है, जो समझाने वाला जो मेन कंसेप्ट होता है वो पॉलिटी होता है और कुछ कुछ करेंट अफेयर्स होता है। ठीक है, तो करेंट को मैं ज्यादा नहीं समझाता क्योंकि करेंट को मैं पहले डिटेल में समझा दिया करता हूं, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स को आपको समझने की जरूरत है। चलिए, एक मैक्सिम है, रेस इस्पा लॉक्वेटर, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो रेस इस्पा लॉक्वेटर का मतलब होता है फैक्ट स्पीक इटसेल्फ। ठीक है, कि मतलब सामने पर स्पष्ट रूप से जो फैक्ट दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है फैक्ट स्पीक इटसेल्फ। चलिए, ये आपको इंग्लिश के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, एक आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं उठाया हूं, सिंपल है, बहुत टफनेस नहीं है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और 5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ये आपको 24, 25, 26, 27, 28 ये 5 है, और इसको आप पढ़ के आपको आंसर देना होगा। ठीक है, और इसके बाद मैं आंसर दूंगा, समझा दूंगा इसका आंसर दूंगा, और इसको मैं समझाऊंगा नहीं, आपको पढ़ना है, क्योंकि इंग्लिश को मैं एज ए क्वेश्चन के रूप में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ना कि यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जल्दी से एक बार आप लोग पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए, इसके बाद मैं लास्ट में आंसर बताता हूं। 3 या 4 मिनट में इसको कवर करिए। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है इंग्लिश से। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, सिंपल पैसेज है, और जहां पर आपको ये 24, 25, 26 दिख रहा है उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में वर्ड यूज करना है, जैसे 24 में कौन से वर्ड होंगे, 25 में कौन से होंगे। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूं, अगर आप देख लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो वीडियो स्टॉप करके आप इसको देख सकते हैं, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो 24 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टोर। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टोर होगा। 25 का जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड होगा। पहले आपको बढ़िया से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आंसर देखना है। ठीक है, पहले मत देख लेना, पहले इसको समझो, बहुत बढ़िया पैसेज है, छोटा पैसेज है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इस डी का ऑप्शन नंबर 26 का डी होगा, 27 का सी होगा, और 28 का जो होने वाला है वो होगा 3, वो ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका टोटल क्वेश्चंस जो है, और आपको अब क्या करना है कि आपको कितने मार्क्स आए। ठीक है, आपको कितने मार्क्स आए वो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। चलिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक जो है अदर्स ग्रुप में कहीं पर अगर आप पढ़ते हैं या फिर अदर्स ग्रुप में तो उसमें शेयर करिएगा, ताकि और भी बच्चे लोग जुड़ सके। इस नंबर पर अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, इसके बाद आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आपको पीडीएफ हो या फिर अदर मटेरियल यहां पर आपको भेजा जाता है। चलिए ठीक है, तो थैंक यू सो मच, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।